यदि आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा संस्कार देना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। सच में आप अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आपके साथ क्या बोलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाहता हूँ। तो चलो आज कुछ नया सीखते हैं। मैं आपसे दो बातों पर बात करना चाहता हूँ। दिस इज आई थिंक आपके लिए समझना भी ज़रूरी है और अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। तो वो क्या चीज़ें हम लोग कभी भी नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के सामने, और अपना जो व्यवहार, अपना जो नेगेटिव बातों को, इनको कैसे छुपाए रखें अपने बच्चों के सामने से। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, नंबर वन, आप जब कभी भी अपने बच्चों के सामने डिनर टेबल पे बैठे होते हैं, उस टाइम पे आप अपने बच्चों के सामने बैठे हैं और बच्चा भी आपके सामने बैठे हैं, आपको देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपके सामने खाना खा रहा है, तो उस मोमेंट पर आपके पास सब्जी में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, आपका खाना में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आप चिल्लाने लगते हैं, व्हाट इज़ दिस यार, मुझे ये ऐसा खाना नहीं खाना है, पहले बोला था ना मुझे ऐसा खाना मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़ोर से भड़कने लगते हैं। आई थिंक आप करते हैं कि नहीं करते हैं, बट फिर भी सुन लीजिए मैं आपके साथ क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसे करेंगे तो आप बच्चे के सामने बैठे हैं, बच्चा भी आपको देख रहा है, क्या कर रहे हैं मेरे फादर, ऐसे कुछ समझ रहा है वो अपना बच्चा। तो आई थिंक आपके लिए ये सब करना भी अलाउड नहीं है अपना घर में और अपने बच्चों के सामने भी। यदि आप वाकई में अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये कभी भी मत करें अपने बच्चों के सामने। और बात करना है तो ओनली पॉजिटिव थॉट के साथ बात करो, और जो कुछ भी बात करना है बच्चा का जो इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग बात करो, जो कुछ भी बात करना है बच्चों के लिए बात करो यदि आप अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो। नंबर टू, यदि आप अपने घर में जब कभी भी आप अपने बीबी से गुस्सा हो, अपना पति से गुस्सा हो, तो मैं आपसे ये रिकमेंड करता हूँ अपने बच्चों के सामने गलत व्यवहार कभी भी मत करें। जब कभी भी आपको गुस्सा आए, अपना बीबी के ऊपर गुस्सा करना है, अपना पति के ऊपर गुस्सा करना है, अब बच्चों के सामने कभी भी गाली गलौज और पाइट करना गलत है। यदि आप अपने बच्चों के सामने ये सब करेंगे तो बच्चा कुछ भी देख कर ही बड़ा होता है, तो आई थिंक ये सब कॉपी करने लगते हैं। बच्चा कुछ भी अगर कॉपी करेगा वो अपना लाइफ में बहुत कुछ सीखेगा जो अपना पेरेंट्स ऐसे ऐसे करते हैं और ये सब करते हैं, दिस इज़ आई थिंक अलाउड है अपना सोसाइटी में, ये सब सोचेंगे। सच में मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूँ, यदि आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा संस्कार देना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के सामने फाइट ना करें, लड़ाई झगड़ा कभी भी अपने बच्चों के सामने मत करें। और जो भी मैं आपको सिखाया, जो भी मैं आपको बताया, आई थिंक दिस इज़ रियलिटी है, यदि आप करेंगे तो आप अपना परिवार में कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। और यदि आप अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हो तो ये रूल्स ज़रूर फॉलो करें जो भी मैं आपको दो चीज़ बताया। नंबर वन था जो अपने बच्चों के सामने डिनर टेबल पे बैठेंगे उस टाइम पे कभी भी नेगेटिव बातें कभी भी बच्चों के सामने कभी भी मत करें। और नंबर टू है जो आप घर में जब कभी भी को गुस्सा आए, कुछ भी प्रॉब्लम होने के कारण आप अपने बच्चों के सामने भी स्पीड गाली गलौज फाइट करने लगते हैं, तो ये दिस इज़ आई थिंक अलाउड नहीं है आप अपने बच्चों के सामने ये सब करना। तो यदि वाकई में आप अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं आपके साथ क्या बोलना चाहता था और क्या सिखाया। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।